हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम लोग सेट का 32वां सेट का सोल्यूशन देख रहे हैं। आइए देखिए 32 नंबर सेट। सवाल है पहला, तीन विद्यार्थी एबीसी तीन विषयों में अधिकतम 100 अंक में से प्राप्त गणित विज्ञान और अंग्रेजी में ए प्राप्त करता है 88, 100 में से विज्ञान 100 में से 86, सब 100 अंक के है ऐसे प्राप्त करता है, सी प्राप्त करता है। सभी विद्यार्थियों द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक क्या करना है? सभी विद्यार्थियों द्वारा गणित में औसत प्राप्तांक, मान लो कि ये गणित का पूछ रहा है तो सबको जोड़ के 3 से भाग भी दे सकते हैं आप, लेकिन अगर औसत निकालना है और ऐसा दिया हुआ है और कैलकुलेशन कभी टफ दे दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मान लेना अपने से कोई 70 जैसे 80 है, 86 है और 66 है। मैं काम करता हूँ 70 औसत मान लेता हूँ, 70 तो प्लस ये कितना ज्यादा हो रहा है 18, और ये कितना ज्यादा हो रहा है 18 और प्लस कितना 16, 70 जो माने हैं ना औसत, झूठ मूठ के मान लिया 70 और एवरेज मान लिया 70, लेकिन ज्यादा यहाँ हो गया 18 और यहाँ ज्यादा हुआ 16 और यहाँ कम गया कितना 4 नहीं, तो यानी कि ये बांटेगा 3 लोगों में, जो भी कम घटा ना तो उसको 3 लोगों में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा, या फिर सबको जोड़ के 3 से भागा दीजिए, या फिर ऐसे करिए तो 70 हो गया और प्लस 12 हो गया तो 12 18 30 हो गया, 30 तो 10 हो जाता, 70 10 80 हो जाता होगा। सॉरी गलत हो गया क्या? केवल गणित का पूछ रहा है तो मैं किसका ले लिया, पूरा इसका ले लिया, नहीं केवल गणित का पूछ रहा है। तो 88 में आप औसत मानी कितना 70, और ये तीनों को देखिए तो यहां पर देखिए 70 प्लस कितना ज्यादा हो रहा है ये 18, ये कम कितना हो रहा है 5, और ये ज्यादा कितना हो रहा है 2, तो 18 2 20, ये 3 भाग में बटेगा, समझ रहे बात को, ये बटेगा कितना में 3 में, तो 70 18 में से 2 गया 20, 20 में 20 में से 5 गया, हमको ये निकालना था तीनों का, गणित में तीनों का प्राप्तांक पूछ रहा है सभी विद्यार्थियों गणित में, तो 18 2 20 में से 5 गया, 20 में से 5 गया 15, 15 से 3 5 यानी 70 और प्लस 5 आया तो 75, या फिर तीनों को जोड़िए और 3 से भागा दीजिए, अगर नहीं समझ में आता है बात तो जोड़िए सीधा 88 65 और 72, 8 2 10 5 15 7 8 15 7 8 8 6 14 14 और 8 8 4 22 14 और 8 22 और 3 से भागा दीजिएगा तो 75, ऐसे भी हो रहा था है कि नहीं। अगला देखते हैं सवाल, डेटा यही रहेगा, मुझे लगता है कि समझ में आया, औसत निकालने के 2 तरीके आपको बताए, दोनों में से समझ में आया होगा, अभी आंसर कौन सा हो गया डी। अगला प्रश्न देखते हैं, परीक्षा में ए और सी के कुल प्राप्तांकों का माध्य अंतर क्या है, के मध्य अंतर क्या है, ए और सी के कुल प्राप्तांकों के मध्य अंतर, देखो ए और सी के मध्य अंतर, तो यहां पर ए 78 है यानी कि अंतर यहां पर 12 हुआ, सॉरी 16 अंतर हुआ, यहां 86 है और 68 है तो 8 8 16 18 हुआ, और यहां पर 66 है और 84 है तो माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 8 6 14 और ये बच गया आपका 18, तो 18 18 यानी कि 16 आपका जो है सो आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 16, क्यों, क्योंकि देखिए ना यहां पर 16 अंतर आया प्लस में, यहां पर प्लस में आया क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, अगर इसमें से इसको घटाए तो क्या हो गया माइनस में, तो ये 18 से 18 कैंसिल हो गया यानी कि अंतर कितना हुआ 16। तो इस प्रश्न का अंतर हुआ कि ए और हमको पूरा ए और पूरा सी का, या फिर आप क्या कर सकते थे सभी ए को जोड़ते और सभी सी को जोड़ते और सबको जोड़ने के बाद घटा देते आंसर आ जाता, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर ए और सी के कुल प्राप्तांकों के बीच में अंतर, तो यहाँ पर यह भी हो सकता था कि सबको ए का जोड़ देते और सी का जोड़ते और फिर जोड़ के आता उसको घटाते, लेकिन हम क्या किए कि अलग अलग घटा दिए और काट दिए ताकि आसानी से निकल गया, मुझे लगता है कि 16 आंसर आपको समझ में आया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं, सभी विषयों को मिलाकर ए के कुल प्राप्तांक, ए वाला जोड़ दीजिए सब विषय को, सभी विषय में ए वाला, ए वाला भी जोड़े थे सभी विषयों में, एक आपको कुल प्राप्तांक कितना, तो ये सब सबको जोड़ दीजिए 8 6 14 14 6 20 और 2 बच गया 8 8 16 16 8
24 तो 240 आता होगा, ये सिंपल दिया हुआ था टी आई आज का, 240 जो भी आता है जोड़ के आगे होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ता हूं, सवाल अगला कह रहा है 890 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और 890 रुपए में 60 वस्तुएं बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कि हमको पहले सीपी और एसपी निकाल लीजिए, सीपी और एसपी खरीदा कितना में। अगर 890 वस्तुएं 70 890 रुपए में 70 वस्तु खरीद रहा है तो 890 बटा 70 प्रति वस्तु दाम है, और यहां पर 890 बटा 60 प्रति वस्तु दाम है, रकम बटा मात्रा करते हैं तो निकल जाता है जी 890 890। यानी कि यहां पर अगर आप देखिएगा और रेशियो निकालिएगा बाबू, तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा, ये वाला तो कट जाएगा इससे और ये आपको कट जाएगा 0 से 0, यानी कि 7:6 हो जाएगा, यानी कि क्रैमुल होगा 7 रुपया, गलत हो गया क्या, 6:7 हो जाएगा, यानी कि 6 होगा क्रैमुल होगा 6 रुपये, 6 उधर चला जाएगा और 7 उधर, और विक्रैमुल कितना होगा 7 रुपये, लाभ कितना होगा 1 रुपया, 1 रुपया लाभ कितना में 6 रुपये में, प्रॉफिट परसेंट कितना तो 1/6 × 100 तो 50/2 यानी कि 50/3 यानी कि 16.2/3%। जैसी 1/6 दिखता होगा क्लास में अगर होंगे तो 16.2/3% समझ जाता हूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि तली का एक छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है, एक भरे वाला एक खाली करने वाला है, तो दोनों मिलकर कितना, तो 20 × 28/28-20 तो कितना हो जा रहा है, ये 8 × 7 = 28, 2 × 8 और 70 मिनट कहीं है, ये आपको नहीं समझ में आता है तो यहां पर a × b/a-b कर दीजिएगा, यानी कि 20 × 28 जो बड़ा में से छोटा 28-20, या फिर ऐसे नहीं आता है समझ तो आप क्या कीजिए, एलसीएम उलसीएम लेवे पड़ जाएगा कि पहला 20 मिनट में खाली करता है, ये भरने वाला नल है 20 मिनट में, दूसरा खाली करने वाला नल है कितना मिनट में 28 मिनट में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 140, तो 20 × 7 = 140 और 28 × 5 = 140, यानी कि 7 भर रहा है 5 खाली कर रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों मिलकर क्या होगा, तो 2 भरेगा तो कितना, 2 के हिसाब से 140 70 में। तो आप ये काम कर सकते हैं कि ये वाला बड़ी बहुत बार यूज कर रहे हैं आप, केयर कर रहे होंगे, मुझे ये आता है लेकिन मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है कि जब दो ही वाला मामला हो तो ऐसे कर दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, पासा समझ रहे हैं, उसमें ए लिखा हुआ रहता है पासा में छेद, एक डाइस में 6 फेस होते हैं और जितने फेस होंगे उतना, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है तो कोई बात नहीं। अगर कुल संभावना जो है ना, कुल सिंपल स्पेस बोलते हैं इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, कुल संभावना जो है तो इसका जितना फेस रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देगा, कितने 2 बार उछाले गए है ना, तो 2 बार उछाले गए होंगे तो कुल संभावना 36 होगा, ठीक है। अब कह रहा है ना कि संयुक्त संख्या, पहली उछाल में संयुक्त संख्या हो और दूसरे उछाल में अभाज्य संख्या हो पाने की, तो पहला उछाल में संयुक्त और दूसरा उछाल में प्राइम नंबर, संयुक्त में कौन कौन हो सकता है, अगर मान लीजिए कि 2 हुआ तो 4 हो सकता है, और संयुक्त संख्या का कौन कौन होगा, 2, 4, 3, 3 और 3 तो नहीं, तो हाँ 2 और 4, 3 तो प्राइम नंबर हो गया, 5 और 1 भी नहीं, 2, 4 और 4, 2 हो सकता है, और कोई जिसको दोनों पर के मतलब 2 बार उछाला जाता है, पहली बार उछाल में संयुक्त संख्या एवं दूसरे उछाल में अभाज्य संख्या पाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहला उछाल में अगर मान लीजिए कि संयुक्त संख्या मिला हमारा 2, 4 और 6, ठीक है, तो दूसरे उछाल में हमारा मिलेगा क्या,
दूसरे उछाल में प्राइम नंबर, दोनों पासा पर ना, पहला पर दोनों पर, पहला पासा पर दोनों पर देखिए दो पासा है, पहला पासा और दूसरा पासा, दोनों पर आपको कह रहा है ना, दोनों पासा पर, दोनों पर कहता है ना कि कंपोजिट नंबर पहला उछाल में आवे दोनों पर, और अगला उछाल में दोनों पर, पहली उछाल में दोनों फेंके ना ऐसे पासा तो दोनों पर कंपोजिट आए, और दूसरे उछाल में दोनों पर क्या है दोनों अभाज आए, तो कंपोजिट दो यानी कि दो चार या चार छ या फिर छ, दो चार छ, चार छ दो, ये तीन संभावना हो सकता है, ठीक है, दो चार तीन ही संख्या, देखो संख्या दो चार छ ही कंपोजिट होता है और प्राइम नंबर होता है एक तीन और पांच, ठीक है, तो इससे तीन पेयर बनेंगे, इससे तीन पेयर बनेंगे, मान लीजिए दोनों पर अगर प्राइम आने की बात है, दोनों पासा पर क्या आने की बात है, अभाज्य संख्या आने की बात है, तो क्या करेंगे, दोनों पर अभाज्य संख्या आने की बात है, तो इस पर एक आएगा तो इस पर पांच, इस पे अगर पांच आएगा तो इस पे तीन, इस पे तीन आएगा तो इस पे एक आएगा, ये यानी कि कितने पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है, यहां पर आ रहा है एक दो तीन और ये भी एक दो तीन, तो तीन तीन छह आपको पॉसिबिलिटी है, जो क्वेश्चन दे रहा है उसकी छह संभावना है, कुल संभावना कितना होता है, सिंपल स्पेस छह सिक्स है, और नंबर ऑफ इवेंट कितना है, यहां पर आपको डिनोट करते होंगे नंबर ऑफ इवेंट बराबर जो जो क्वेश्चन दे रहा है उसके अनुसार नंबर ऑफ इवेंट है आपका कितना छह, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो है सो है 36, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है नंबर ऑफ यानी पी निकालना है, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस लिखना होता है, ये सब प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ होगा, तो होगा 6/36 यानी कि 1/6, जो टोटल कह रहा है वो आपको ऊपर रखना है और जितना हो सकता है वो नीचे रखना है, कुल दो पासा उछालेंगे तो 36 तरह से आ सकता है आउटकम, 36 तरह से आ सकता है, लेकिन अगर दो पासों पर कंडीशन डाला हुआ है तो कितने तरह से होंगे, तो ये 6 तरह से होंगे और 6/36 यहाँ पर आंसर आया, मुझे लगता है कि बात समझ में आया है। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 मीटर एवं 1 मीटर को चौड़ा रेशमी कपड़ा और इतना मीटर में किधर से खरीदता है, तो वह 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा सूती कपड़ा 200 मीटर प्रति वर्ग किधर से खरीदता है, दोनों प्रकार के कपड़ों को मूल का अंतर क्या है, लो दोनों का खरीदा तो क्या दाम आया, यहां पर देखिए तो कितना दाम आएगा, 50 रुपये 50 मीटर चौड़ा मीटर एवं 1 मीटर चौड़ा रेशमी कपड़ा, 50 मीटर एवं 1 मीटर चौड़ा रेशमी कपड़ा 25 रुपये, 50 × 1 × 250 कितना आया, ये लंबा है, 50 मीटर लंबा होना चाहिए था और 1 मीटर चौड़ा, तो ये आ जाएगा 25×25 12,500। अब कह रहा है कि वह एवं वह 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा सूती कपड़ा, 25 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा सूती कपड़ा 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से खरीदता है, तो दोनों प्रकार के कपड़ों, यहां पर 50 मीटर लंबा कितना, यहां पर 40 मीटर लंबा दुसरका वाला, दुसरका वाला 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, और कैसे मीटर कपड़ा है 200 रुपये मीटर है, यानी इतना गुने 200, 40 × 80 16,000 रुपये यहां पर लगेगा, है ना, तो 16,000 इसका आया और 12,000 इसका आया, तो अंतर कितना हो जाएगा, 3,500 क्या आया है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, हाँ तो ये 3,500 आएगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखो 3,000 हाँ पांच उल्टा घटाएंगे तो 35 × 15 कितना 6,000, ठीक है 3,500 रुपया ये जो होगा, सो आपका कौन सा आंसर है, डी आंसर होगा, मुझे लगता है क्लियर है बात, दोनों का पैसा निकालना था, पैसा निकाल घटा देना था, तो ये सबको केवल क्वेश्चन देखिए बनता। सवाल देखिए अगला कि एक 20 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पाता है,
20 मीटर कपड़े को बेचकर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ करता है। देखो ये बड़ी अच्छा पूछते रहता है, ये हमेशा तो पूछते रहता है कि 20 मीटर को बेचा और 4 मीटर के कपड़े के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है विक्रय मूल्य के बराबर। एक काम कीजिए, 20 मीटर बेचा है तो 20 मीटर खरीदा होगा, तो 20 मीटर का एसपी बराबर 20 मीटर का सीपी लिखिए और प्लस क्या लिखिए, लाभ हुआ है कि हानि, लाभ तो प्लस लिखिए। देखो ये देल रहेगा, ये अपने से लिखना है कि अगर इतना खरीदा होगा तो क्रय मूल्य 20 का सीपी लिख देंगे और अगर वो लाभ हो रहा है तो प्लस लिखिए, हानि होगा तो माइनस लिखिए। लाभ हुआ है यहाँ पर कितने का, 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मीटर का एसपी। अब बस इसको कोई याद ये मानना उन्ना नहीं है, सीधा इसे लिख दीजिए 20 4 24। अच्छा एसपी है तो एसपी को एक तरफ लाइए जी, इधर लाएंगे आप क्या होगा, 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 एसपी बराबर 20 सीपी और काटेंगे तो क्या मिलेगा, चर्चों का 16, 4 5 20 यानी कि एसपी मिला 5 और सीपी मिला आपको 4, 4:5 यहां पर सीपी और एसपी आया। तो कितना में बेच रहा है ये, 4:5 है तो कितना में बेच रहा है ये, कितना लाभ में बेचा, अरे खरीदा 5, यहां पर देखिएगा सीपी 4 रुपया और बेचा कितना में है 5 रुपये, तो 1 रुपया लाभ हुआ कितना पर, 4 पर, तो प्रॉफिट क्रैमुल पर ना लाभ, तो ये 4 रुपये में 1 रुपये लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए 100% से गुना, तो यानी 25% लाभ होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ये बढ़िया पूछता आ रहा था, इसको बढ़िया से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ये समझना है कि इस वस्तु का एसपी हम करा रखा है हमने टाइप्स भी, और उसमें देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल कह रहे हैं भोपाल से वाराणसी जाने वाली रेलगाड़ी की चाल 100 है जबकि वाराणसी भोपाल आने वाली उल्टी चाल से विपरीत दिशा में से आने वाली का चाल 80 है, तो पूरी यात्रा के दौरान मतलब गया 100 से और आया कैसे 80 से, तो जब जाए और आए तो 2 × x y / x + y होता है औसत चाल। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर 2 × x y / x + y, यानी कि जिससे गया दुगुने गया 100 से और आया कितना से 80 से, और दोनों को जोड़कर यानी कि 180 कटेंगे तो ये बचेगा 9 बार में, और ये 9 × 2 = 18 90 बार में, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया होगा और 800/9 आया है, तो 800/9 कितना होगा, 9 × 9 = 81 9 × 8 = 72, ये दोनों तो गया काम से, 9 × 8 = 72 बच गया आपका 8, 9 × 8 = 72 यानी कि हो जाएगा बी, है कि नहीं, बोलो जाएगा आंसर, आप ऐसी भागा दीजिएगा नजर आएगा, इतना औसत चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। मुझे लगता है कि समझ गया, औसत चाल अगर एक ही दूरी को जाए और आवे तो औसत चाल 2 × x y / x + y, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सवाल अगला है, कह रहा है कि एलसीएम निकालें, मुझे लगता है कि ये सब लोग जानते होंगे कि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएम, यानी 10 20 और 55 का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ यानी कि 21, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे, अगर एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ न्यूमरेटर का एचसीएफ 21 63 और 56 का एचसीएफ निकालेंगे और ये लिखेंगे आप जानते हैं क्या, 10 20 55 का एलसीएम क्या होगा, तो 10 20 55 का एलसीएम आपको हो जाएगा, 10 20 55 का एलसीएम क्या होगा, तो भाई एलसीएम निकालना है तो 11 × 4 = 44 और 44 × 5 तो कितना, 11 × 4 × 5 = 25 220 हो जाता होगा, कहे कि 110 तो नहीं होगा, 110 क्या होगा, क्या 110 नहीं होगा, 220 होगा, और एचसीएफ निकालना है तो ये सब कट, 21 से एक नहीं कट रहा है, 21 से 56 नहीं कटता है, लेकिन 21 से 7 से सब कट जाता है, 7 से सब कट जाता है, तो 7 हो जाएगा, यानी कि 220/7 आपको आंसर कौन सा बॉल हो जाएगा। क्लियर है बात, सबको पता होगा कि अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, मुझे लगता है कि हो गया है क्लियर। सवाल अगला देखिएगा, अगला सवाल है, देखो जो मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली बता रहा हूँ, चूंकि मुझे इतना वक्त नहीं होता है कि मैं क्लास में एक बार इसको देखूँ, जो होता है कहीं कहीं त्रुटियाँ अगर कुछ है तो उसको आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कोई त्रुटि हो, लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो उसको एक बार देखिए, क्लास में पूछ लिया कीजिए,
चूंकि आपको ये सोल्यूशन ही इसलिए दिया जा रहा है ताकि डेली सेट हो, और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन डाउट होता है तो उसके लिए आपको ऑफिस में बैठाए हुए हैं लोग, मुझे लगता है कि फायदा होता होगा। एक बाइक का अंकित मूल्य दे रखा है 33,600। खुदरा विक्रेता होली के अवसर पर वह 16% छूट की घोषणा करता है, और एक ग्राहक को उस बाइक के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी, यानी कि 33,600 में 16% छूट दे देगा तो ये आपको बिकेगा 84% में, 84% ही मूल्य, क्योंकि 16% छूट देगा तो 84% मूल्य में बिकेगा, और जो भी आ जाता है 84 काट के वही इसका आंसर होगा। 00 से 00 काट दीजिए, 6×24 लास्ट में दो लोगों का है, लेकिन देखना है 83 की 24 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्या है आंसर, समझ में आ रहा है? 20 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में चार था, और हमको लास्ट शुरू वाला देखना था, तो 83 की 24 कर दिया, यानी 24 से ज्यादा आएगा, तो जो 24 से ज्यादा 28 है, गुना बिना किए आपको आंसर आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? 16% डिस्काउंट दिए तो 84 में बिका। आगे बढ़ता हूं, कह रहा है कि भाई साहब 10,000 की धनराशि को अंशतः 8% के दर पर, शेष को 10% प्रतिवर्ष के दर पर उधार दिया गया, यदि औसत वार्षिक ब्याज द्वारा, ये क्या हुआ है जी, ये द्वारा आपको पूछा है तो ये बनना चाहिए था, 10,000 को राशि को 8% पर लगाया कुछ भाग, और कुछ भाग लगाया 10% पर, जिससे कि कुल औसतन दर कितना आया, औसत दर आया 9.2, तो बीच में रख देते हैं ना इसको, औसत को घटाइएगा तो ये मिलेगा 0.8 और ये मिलेगा 1.2। अनुपात निकालिए, ये प्रिंसिपल का अनुपात आता है, जिस भाग में 10,000 को बांटे थे ना, 10,000 को दो भाग में बांटा गया है ना, उन्हीं दोनों का भाग निकलता है, पहला भाग और दूसरा भाग निकलता है, क्या निकलता है, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो प्रिंसिपल ये है। काटिएगा इसको तो डेसिमल से डेसिमल गया होगा, ये डेसिमल ये उड़ जाएगा डेसिमल से डेसिमल, ठीक है, और 8:12 होगा, तो 4×12 = 8, 2×3, यानी कि 8% पर 2 रुपये लगाया और 3% पर 10% पर 3 रुपये लगाया, ठीक है, तो 3×2 = 5 बराबर आपका मिल रहा है, क्या 5 बराबर मिल रहा है 10,000, 5 बराबर 10,000, तो क्या निकालना है हमको, 2 रुपये निकालना है और 3 रुपये निकालना है, तो यानी 5×2 = 10, काटिए इसको, 5×2 = 10, 2,000, 2×2 = 4,000 रुपया, और 3×2 = 6,000 रुपया, तो 4,000 और 6,000 आपको डी ऑप्शन है, प्रिंसिपल का अनुपात देता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल है 53 कह रहा है कि एक पंसारी 45 रुपये प्रति केजी के मूल्य के बजरे को 32 रुपये केजी के मूल्य के दूसरे किस्म के बजरे के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 48 रुपये या बेचने पर 20% लाभ हो। देखो ये क्रय मूल्य दिया हुआ है और ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, सब कितना रुपये खरीदा गया और उसको मिलाकर बेचना है 48 रुपये या 20% लाभ हो, तो यहाँ पर इसको इससे पहले क्रय मूल्य निकालिए कि कितना परसेंट लाभ कमाना है, 20%, कितना में बेच के 48 में, तो कहेंगे ना कि 120 है 48 है, तो हमको खरीदारी मिश्रण का खरीदारी क्या पढ़ना चाहिए, मिश्रण का खरीदारी कितना पढ़ना चाहिए कि हम 48 में बेचे तो 20% लाभ हो, क्योंकि पहला को खरीदा है किसे 45 और दूसरा को खरीदा है ये 32 रुपये, और मिला के दोनों को ऐसा क्रय मूल्य आना चाहिए, 1 केजी का पढ़ना चाहिए कि 48 रुपये बेचे तो 20% लाभ हो, तो 120 बराबर 48 लिखिए, यहाँ से क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो ये पहले क्रय मूल्य निकल जाएगा, 20×6 = 120, 20×5 = 100, 6×8 = 48, 8×5 = 40, यानी कि क्रय मूल्य निकल गया औसतन 40 रुपये प्रति केजी, और यहाँ पर 40 रुपये प्रति केजी औसतन निकल गया तो बीच में रख देंगे, और 40 रुपये बीच में रखिएगा ना तो किस अनुपात में मिलाया होगा ये पहला और दूसरा तरह के चावल को, ये पता लग जाएगा, ये बजरे को किस अनुपात में मिलाएगा उसे पता लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा 8 और यहाँ हो गया 5, तो 8:5 में सही जवाब आपका बॉल हो जाएगा, मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा, ये भी सवाल रिपीट करते रहता है, ध्यान से पढ़िए बाबू समझिए, जो सवाल को बताया गया यही सवाल अगर बढ़िया से कर लेते हैं कि ये बनने वाला आसानी से है, ज्यादा टफ वाला को टेंशन ना ले, आसानी से बनता है उसको जरा सा समझें। सवाल देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, ये तो कह रहा है कि भाई ये अनुपात बी बराबर 2:3 है तो वैल्यू निकालिए, तो मुझे लगता है कि सबसे बन गया होगा क्योंकि ये डायरेक्ट पुट कर देना, ये 5a³ - 2a² b / आपको 3ab² - bq दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं बाबू कि सबसे पहले तो इसको ए स्क्वायर को, ये बी क्यू है तो बी स्क्वायर इधर से निकाल लिया,
हालांकि कोई कटने वाला है नहीं, कॉमन नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो पांच गुने आपको 2 का पावर 3 यानी कि 8 माइनस 2 का पावर 2 यानी कि 4 और बी का मतलब 3, और 3 गुने 2 और बी का पावर 2 यानी 3 9 और माइनस बी का पावर 3 9 27। यहां पर जो रिजल्ट आने वाला है 8 5 40 माइनस 4 2 8 3 24 और बटा 3 2 6 9 54 और माइनस 27। घटाइएगा 24 तो मिलेगा कितना 16, 27 2 54 16 बटा 27। जो भी अनुपात आता है 16:27 पहला ऑप्शन में आपको चमचमा रहा है तो मुझे लगता है कि आंसर आ गया होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 4:5 है, उनकी वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई 3:2 है। 55 नंबर क्वेश्चन है ये। लंबाई बढ़ाया है 4:5 में, चौड़ाई कम हुआ है 3:2 में, तो क्षेत्रफल क्या? लो भाई लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। अगर लंबाई को बढ़ाया है, 4:5 में, लेकिन चौड़ाई पहले से कम किया है, पहले 3 था तो बाद में कितना हुआ 2, तो भाई क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? एल गुने बी होता है एरिया, एरिया क्या होता है? एल गुने बी, तो एल गुने बी यानी चरती है 12 5 2 10। अगर अनुपात निकालेगा तो 6:5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 6:5 और 6:5 ऑप्शन डी में है। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। सीधा पहले का लेंथ 4 था और 3 था तो एरिया 12 हो गया। मुझे लगता है आगे प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला सवाल 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि एक व्यक्ति उद्यान की घास 3 मिनट में काटता है पूरा, तो 30 मिनट में कितना भाग काटेगा? अच्छा, 3 मिनट में पूरा भाग, पूरा मतलब एक, तो 30 मिनट में कितना भाग? 30 मिनट में टी बटा 30 भाग, सीधा सवाल है, इतना आसान देता है टी बटा 30 भाग। टी मिनट में अगर एक भाग काटता है पूरा भाग, तो 30 मिनट में कितना काटेगा? तो 30 मिनट में का ओके यहां पर गलत हो रहा होगा, 30 मिनट में कितना, एक टी मिनट में एक भाग, तो 30 मिनट क्या है, टी ज्यादा है किससे, 30 से, यानी कि अगर ये ज्यादा समय है तो 30 मिनट में कम भाग क्या करेगा, कम समय मिला ना, ये टी मिनट में एक भाग, तो ये कम समय में कम भाग करेगा, और कम भाग अगर करेगा तो ये दोनों में ज्यादा होगा उससे भागा देंगे, यानी कि यहां पर 30 बटा टी, क्या है 30 कह दिए थे क्या, कौन सा 30 बटा टी, क्या आंसर होता है टी, मैं गलत लिख रहा है, टी समय में एक भाग, तो 30 मिनट में 30 बटा टी भाग। देखो ये वाला हमेशा ऊपर रहता है, ये वाला हमेशा ऊपर रहा, और ये दोनों में ज्यादा कम के अनुसार, टी मिनट में एक भाग तो 30 मिनट में ज्यादा, अगर ज्यादा समय है तो ज्यादा भाग, कम समय है तो कम भाग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये वाला टी आपको 30 आपको ऊपर चला जाएगा और टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। या आप 1 मिनट में 1 बटा टी लिखते, पहले टी मिनट में लिख लीजिए कि टी मिनट में हुआ एक भाग, तो 1 मिनट में कितना 1 बटा टी भाग, और अगर आपको 30 मिनट का निकालना है तो 30 गुने 1 बटा टी यानी कि 30 बटा टी। तो लगाते वक्त ध्यान दीजिएगा टी बटा 30 हम लगा रहे थे, शायद इसका डी आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विराट कोहली 9 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी का औसत है, 10वीं पारी में 106 रन बनाए और औसत रन में 1 बढ़ गया। ये मैं कई बार सेटों में बता रखा हूं कि 9 पारियों का औसत दे रखा है, मान लीजिए x, तो 10वीं पारी में कितना हो गया औसत x+6। आप केवल इतना केयर कर लीजिए कि कितना यहां बढ़ा, इधर बढ़ा 1 और इधर बढ़ा कितना 6, जो ये बढ़ा आपको इसको गुना करिए इसमें, और यहां पर जो आया है उसको गुना कीजिए इसमें, और जो बढ़ा है टोटल 106 उसके बराबर लिखिए, इसका गुना इससे तो 9 6 54 और प्लस x+6 को गुना करेंगे कितना से 1 से, यानी 54 और 6 कितना 60, तो x=60 घटाएंगे तो 46 बचेगा। ये 46 आया पहले वाला औसत,
लेकिन यहां पर ढूंढ रहा है जानते हैं कैसा, उसका नया बल्लेबाजी का औसत 46 और कितना बढ़ा है 6, तो नया वाला औसत कितना, नया औसत 46 और 6 कितना, पहले देखो 46 बदल है, नया वाला औसत 46 6 52, आंसर होना चाहिए कौन सा इसका, सी। क्लियर है, अरे सही है कि नहीं, 9 6 54 और इसमें बढ़ा है, सो ये इससे गुना यानी कि ये शुरू वाला उसका औसत 6 रन बढ़ गया। अगला देखते हैं, जॉन एक निश्चित दूरी को 2/3 भाग को बाइक से पूरा करता है, शेष भाग को 6 किलोमीटर पैदल तय कर, शेष 6 किलोमीटर पैदल यात्रा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ए जी, एक जॉन निश्चित दूरी को 2/3 भाग को बाइक से पूरा करता है और शेष बच गया, शेष यानी कि 2/3 भाग को बाइक से किया और शेष 6 भाग को पैदल, तो वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। लो 2/3 भाग को और शेष बचा कितना, शेष बचा कितना आपका, शेष बचा 1/3 यहां पर बाइक से, शेष पैदल। सोचिए जरा सा क्या करेंगे बताए आप, अब कुल मान लीजिए दूरी कितना, कुल दूरी मान लीजिए 3, तो बाइक से कितना, तो बाइक से 2 और शेष कितना, शेष 1 और शेष 1 यानी कि 1 बराबर कितना दे रखा है, 1 बराबर कितना दे रखा है 6 किलोमीटर, तो 3 बराबर कितना 36 18 किलोमीटर, या फिर पूरे का पूरा दूरी मान लीजिए d और d का 1/3 शेष कितना दे रखा था 6, तो d बराबर 18 इशू हो जाता, इतना मानने की कोई झंझट नहीं है। लेकिन आप ऐसे रेशियो में मानना सीख गए हैं तो ऐसे मान लीजिए डायरेक्ट समझ में आएगा। तो एक कुल दूरी का 1/3 भाग 6 था। सवाल अगला प्रश्न 59 की तरफ पढ़ते हैं। 59 देखिएगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, जबकि एक प्लेट जबकि वह प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करते है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। समझ में आ रहा है बात, एक 18 सेकंड में पार करती है किसको, प्लेटफार्म, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है जबकि खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में। प्लेटफार्म को पार करने का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छा लास्ट में रेलगाड़ी, यदि रेलगाड़ी की लंबाई दल है 100, यानी 100 प्लस प्लेटफार्म को पार करने में उसको लगता है 18 सेकंड, लेकिन प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को यानी कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी कि अपनी लंबाई को ट्रेन पार कर रहा है और अपनी लंबाई को पार करने में उसको लगता है 8 सेकंड, है कि नहीं, और अपने लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लगता है। अगर इसको घटाएंगे तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगता होगा आपको पता लग जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में आपको 10 सेकंड लगता और 10 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो सोचिए जरा सा 18 सेकंड में पूरा, तो 10 सेकंड में आपको प्लेटफॉर्म पार कर रहा है, तो अब सोचिए ना आप कि 8 सेकंड में 100 मीटर तो चाल क्या है ट्रेन की, ट्रेन की चाल कितना हो गया, तो ट्रेन की चाल हो गया 100/8 मीटर प्रति सेकंड, और कितना सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है 10 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 100/8 चाल और गुने समय 10 सेकेंड, तो हो जाएगा 1000/8 जो कि 125 मीटर ही आएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ से क्या करना था सबसे पहले, यहाँ से सबसे पहले निकाल लेना था कि प्लेटफॉर्म कितना देर में चल रहा है, 10 सेकेंड में चाल निकाल लेंगे, 100 मीटर चल रहा है 8 सेकेंड में, अपनी लंबाई को 8 सेकेंड में, तो चाल तो यही हो गया और चाल निकल गया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई चाल गुने समय दूरी निकल जाएगा, कितना समय में पार कर रहे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, गुना करिएगा आंसर आएगा। यहां पर दे रखा है एक सीआई का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये कि 5000 की धनराशि को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज कितना है। 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो भाई 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 यानी कि 10 से 11 2 साल में हुआ होगा,
यानी कि 100 रुपया हो गया होगा 121 रुपया। सी आई की जहां तक की बात है तो सी आई हो जाता होगा 21 रुपया, और 100 रुपया जो मूलधन मेरा यहां पर है, ये प्रिंसिपल आता है, अमाउंट आता है ना, तो जो 100 रुपया मेरा मूलधन है वो एक्चुअल में 5000 है, तो 100 गुने 5000, 100 है 5000 रुपया, तो निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको 21, तो 21 होगा 21, 5 5 यानी 10050 रुपया। आपको आंसर कौन सा होगा, सी। मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।